एक बार फिर से आप मन के मोर यूट्यूब चैनल तेनसिंह साहू ब्लॉग में स्वागत है। आज हमार बीच दो नल नील, मतलब शिक्षक विभाग के नल नील कहा जाए, वो मन हाँ अपन जो शिक्षकीय कार्य है ओकर से सेवानिवृत्त हो गए है, तो ओकर आज हमार विकास खंड स्तर से विधायक कार्यक्रम में हमार बीच में करे हुए है, ओला अपन जो चैनल के माध्यम से आप मन दिखाए प्रयास करो संगवारी हो। और अगर आप मन मोर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो जहाँ तक हो सके। अस्सी प्लस वाले कैमरा काकर काकर खींचो भाई, पानी बॉटल साइड कर दो ने सभी साथी क्रम स्वागत करें। आ घूम रहे हो, चलो का चलो गजेंद्र भैया जल्दी स्वागत वागत ला कर, चलो चलो ना खाली बोलिए भारत माता की आगंतुक शिशु साथी, जैसे आप सभी को विदित है कि आज शुभ अवसर पर बेला को पवन मिला ने हमारे बीच हमारे वयोवृद्ध सेवानिवृत्त और माननीय स्वागत कार्यक्रम में
अनुकूल हमारा की पदभागी है कोई विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सफल सफलता अपनी अर्धवार्षिकी पूर्ण किए। सीसी परिवार की ओर से, विकासखंड की ओर से आपको, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस साथ ही अभिनंदन पत्र वाचन करना चाहूंगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा आज के आप सबके बीच पुनः अभिनंदन पत्र का वाचन प्रतिष्ठा में आदरणीय श्री सूरज प्रकाश जी पवार जी, संतु समन्वयक संतु स्वरूप केंद्र भारती अर्जुंडा, जहाँ अभिजात्र का दर्पण न हो, जहाँ संपन्नता का कोई स्वांग न हो, जहाँ अट्टालिका के राजकुमार को टीम टीम लिए जलते झोपड़ी आकर्षित करते हो, जिन्हें घर के 56 भोग में वो रस नहीं आता, जो रस पटेल होटल में अपने चार भुंजी के साथ बैठ कर मिर्चा भजिया खाने में आता हो, ऐसा सूरज कभी कभी ही इस धर्म धाम में उदित होता है। और जब उदित होता है तो अपने वैभव की चकाचौंध से नहीं, अभी तो अपनी सरलता की सीधी किरणों से सीधे हृदय तल पर उतरता है। ऊपर का सूरज अपनी प्रखर रश्मि लेकर मुझे सौभाग्य मिला है 2009 से श्री भास्कर आदरणीय भैया एस पी पवार सर जी, आदरणीय भैया श्री टी आर साहू सर जी, इन दोनों के सानिध्य में रहकर हम भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस समय टी आर सी हमारे पी एस भिवानी सर रहा करते थे। उनके अनुभव अब सबको इतना अच्छा प्रशासनिक कार्य और व्यवहार में समन्वय बना के चलना है, ताकि सेवा कार्य में प्रशासनिक कार्य काम आएगा, लेकिन रिटायर के समय या रिटायर के बाद व्यवहार ही काम में आएगा। तो हमेशा याद दिलाते थे सर कि हमें प्रशासनिक को भी और व्यवहार को भी दोनों को समन्वय बनाकर चलना। तो यह मैंने एक और बुके दो।
सुनने के बाद जो स्नेह और एक मार्गदर्शन मिला वो मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादा लंबा समय न होके चार साल काम करने के बाद मेरा काम थोड़ा बदल गया था, लेकिन उसके बावजूद मेरी यहाँ जाना ऐसा लगा कि स्कूल हमारे शिक्षक समुदाय को घर से लोग मदद मिल सके, इस तरह का मार्गदर्शन हमेशा मिला है और हम लोगों ने जो भी प्लान किए सर के मार्गदर्शन भी किया। लेकिन और आदरणीय श्री धनराज साहू जी, दीपक ठाकुर जी, परमेश्वर साहू जी, देव सिंह मेरे समक्ष सीएससी साथी हैं। वैसे जब सम्मान किया जाता है मैं सच कहूं मैं उसका भूल जाता हूं, इसलिए कि सम्मान के लायक मैं हूं या नहीं ये सोचकर हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है। कुछ साथी वहां थे रजुंगा में बताया था कि मेरा ये स्वभाव बचपन से ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां आई जो मुझे बचपन से गुजरने नहीं दिया और व्यक्तिगत अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए बचपन से इस प्रकार से मेरा स्वभाव अपने आप शायद बन गया। साथियों कोई भी काम हम कर सकते धीरे धीरे में उसको समय पहला दिन था पहली मीटिंग थी जब मैं सीएससी बना आया उस समय सी सख्त ने दिया सीसी साढ़े 35 वर्ष का लगभग रजुंगा में निकल गया, शायद मैं इसको भी अपना सौभाग्य मानता हूँ क्योंकि साल में प्रतिनिधित्व किया जिस साल की कुर्सी पर प्रधान पाठक की कुर्सी पर बैठने के लिए जो लड़ाई हो रहा गजेंद्र जी के बड़े पिताजी चालू है सर। हेलो भारत माता जी जय। आज के हमारे सबसे पुराने साथी परमेश्वर साहू और मेरे समस्त सीएससी साथी वैसे सीएससी के रूप में मैं बहुत दिनों से जुड़ा था, जब से शिक्षा विभाग में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा था उस समय से मैं सीएससी हूँ और यहाँ पर जितने विद्यार्थी लोगों का नाम करना यहाँ लिखा हुआ है उन सभी के साथ मुझे बात करने का मौका मिला और उन लोगों से भरपूर सहयोग मिला। एक घटना मुझे कभी छोड़कर नहीं है कि उस समय ब्लॉक समझ में बोलिए भारत माता की जय। इसी क्रम में साल साल समय
अगला कर्म पुनः हमारे अतिथि आदरणीय प्रिया सौसा जी का पुनः प्रतीक चिन्ह डायरी और ये सामूहिक फोटो अपन बाहर लेंगे, इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे और यथावत बने रहेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ आभार प्रदर्शन के लिए मैं जाऊंगा आशीष महोदय आपसे निवेदन हमारे आपके माध्यम से हमारे दोनों सेवानिवृत्त समन्वयक पवार सर मेरे साथी सर। सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों सेवानिवृत्त समन्वयकों को अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने थोड़ा अपना समय कीमती समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि हम लोग को आने में विलंब हुआ और उसका कारण था कि एक दुखद घटना हमारे कार्यक्रम में घटी है। वैसे आप दोनों को मैं समझ जा रही हूँ उसको मैंने देखा क्योंकि उसने पहले किए थे लेकिन